हेलो फ्रेंड्स। तो जी आज थी बच्चों की पीटीएम और फ्रेंड्स बच्चों का आज रिज़ल्ट फाइनल आ रहा था। तो जी बस ये है 9:30 का टाइम और चल पड़े जी बस बच्चों के स्कूल। तो देखिए जी रास्ते में क्या नज़ारे हैं और ऐसे लग रहा है दोबारा से ठंड होगी। और आप सबको ही पता है कि ना मौसम है दोनों सा 3-4 दिन से बहुत ही गंदा हो रहा है। देखिए पानी पानी ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था आज जाना, बट ओखे सोखे जैसे भी फ्रेंड्स गए क्योंकि ज़रूरी था बच्चों के स्कूल भी जाना। देखिए इतना नुकसान हुआ है ना आसे पासे के गांव में शहरों में, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे गिर चुके हैं और बड़े बड़े बर्फ़ के मतलब छोटे छोटे वो भी ओले भी गिरने की पता लगा है और गिरे भी हैं जी। और काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों के बेचारों की कनकों का भी बहुत ज़्यादा। देखिए फसलें ऐसी थी और कैसे बैठ चुकी हैं पानी से। और बाकी देखिए आप बहुत ज़्यादा हर पासे नुकसान हुआ है, गलियां सड़कें सब भरी हुई हैं पानी ही पानी से। तो आ चुका है जी बच्चों का द मिलेनियम स्कूल बठिंडा। तो ये देखिए ये बठिंडा से बस 8-10 किलोमीटर बाहर की तरफ बना हुआ है। तो जी अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो बस मैं थोड़ा सा इधर आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। अब आगे जी अटेंड कर कर मीटिंग। और ये देखिए रास्ते में एक टनल सी आती है पुल से, तो ये देखिए वहाँ इतना ज़्यादा वो था, इतना ज़्यादा पानी था, गाड़ियाँ एकदम से रुक गई थी पानी में से। देखिए बहुत ज़्यादा रिस्की था तो जाना। और देखिए मैं आपको ये पास की यहाँ गाड़ी खड़ी थी तो मैं दीवार दिखा रही हूँ, पेंटिंग देखिए कितनी सुंदर की हुई है साइडों में। और ये देखिए पानी में ऐसे लग रही है डूब रही हैं आज तो गाड़ियाँ, और काफ़ी भीड़ थी। बस इसी चक्कर में हमें आते भी टाइम लेट हो गए, हम घंटा लग गया और जाते भी घंटा लग गया। ये देखिए जी कई गाड़ियाँ ऐसे खड़ गई तो फिर उनको भी बहुत कई बंद हो चुकी थी। ये देखिए उनको निकाल रहे थे ऐसी ट्रॉली वगैरह साथ से लगाकर। और देखिए पानी पानी हो रहा है बठिंडा, तो सारा शहर में ही पानी पानी है। जैसे तैसे बस जी आ तो बच्चों की मीटिंग हमने बस अटेंड करी, फाइनल रिजल्ट करके बस जाना ही था। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दीवार पे स्लोगन से बने हुए पेंटिंग की हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। तो बस जी ऐसे ठंडा मौसम हो गया है, आप भी बस घर में रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए। अब यही ठंड होती है बच्चों को बस एकदम से लग जाती है। और ये देखिए छोटे वाला खुश हो रहा है, दोनों के मार्क्स है भाई बच्चों के बहुत अच्छे आए हैं। तो चलो बच्चों का ये होता है, मेहनत होती है साल भर की। और ये देखिए कितना पानी ही पानी, जिस चौक पे जाएं जहाँ जाएं भाई, शुक्र करो आज गाड़ी रुकी नहीं, बस जैसे तैसे बच्चों की मीटिंग अटेंड हमने कर ली। तो ये देखिए जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, सारी रोड है साइडों में पानी पानी ठहरा हुआ है। और ये देखिए सब दिखा रही हूँ आपको मैं, ये बेचारे सबको ही प्रॉब्लम है, जो भी फ्रूट वाले हैं और हैं, ऐसे पूरा समुंदर बना हुआ है देखिए पानी पानी से। ऐसे सबको व्हीकल वगैरह फंस रहे हैं, स्कूटर हैं या और है गाड़ियाँ वगैरह हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये देखिए हम भी इसी पानी में से ही निकाल रहे हैं गाड़ी में। तो मैं इधर बस ये आपको दिखाने लगी भाई, देखिए कैसा बना हुआ है ऐसे।
आ गए। और ये ना मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी माइक के साइड अबोर से, वहाँ के पास के गांव में इस तरह देखिए काफ़ी नुकसान हुआ है। तो भाई ने मेरे को ये वीडियो शेयर की थी, तो ये फाजिल्का के पास गांव की हैं। ये देखिए बता रही हूँ आपको कि ये देखिए पूरा बाग है जो ये कल की हैं, सारा देखिए बाग के पूरा ही जड़ से ही उखड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये देखिए ये भी कुछ साइक्लोन जैसा कुछ आया है ऐसा, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा उधर साइड भी नुकसान हुआ है जी। वही बता रही हूँ मैं आपको, इन 3-4 दिनों में पंजाब में खूब बारिशें हो रही हैं, कोई भी शहर मेरे ख्याल में तो नहीं ऐसा बचा होएगा, बहुत ज़्यादा ठंड, कल तो झड़ी सी ही लगी हुई थी लगातार। और ये देखिए ये मेरे पास कुछ वीडियोस आई थी, भाई ने शेयर की थी, क्योंकि भाई फाजिल का जॉब करता है तो वो बस उधर की हैं। तो ये देखिए मैं सोचा आपको भी बताया जाए। ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब इधर भारी भरकम नुकसान हुआ है, पेड़ पौधे जड़ से ही उखड़ चुके और सब कुछ बस तहस नहस सा हो गया। और ये देखिए बहुत बुरा हाल है जी। तो फ्रेंड्स आज तो मेरा छोटा सा ये व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।